प्रोड्यूसर मत बदवावे ना, हमें पार्टी के खिलाफ बात है, हमारे घर में पानी भर जावे। भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। भारत टीवी पहुंची है गांव बली में, और बली में आने के बाद में जिस तरीके की विकास की पोल हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि लगातार भाजपा सरकार ये दावा करती है कि सबका साथ सबका विकास, और सबके साथ सबके विकास के नारे पर जिस तरीके का लाछन यहाँ के अधिकारी यहाँ का प्रशासन लगा रहा है वो किससे छुपेगा नहीं। क्योंकि आज हम लोग जब गांव बली में आए तो यहां पर देखने को मिला कि हल्की सी बारिश हुई नहीं कि पूरी तरीके से ये रास्ते तालाबों में तब्दील हो चुके हैं, नालों में पूरी तरीके से तब्दील हो चुके हैं। हालांकि यहाँ के जो गांव वाले हैं, जब हम उनके बीच में उनके पास पहुँचे और उनसे बात करने की कोशिश की तो उनका दर्द जो था वो कहीं ना कहीं इस बात को बयां कर रहा था कि बार बार प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद, सरपंच को आगाह करने के बावजूद, किसी के कान पर किसी भी तरीके की कोई जू तक नहीं रेंगती है। अब मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार पूरी तरीके से ये जो पानी है इसे दिखाया जाए, क्योंकि ये वो रास्ता है जो कहीं ना कहीं 150 से 200 ऐसे परिवार हैं, ऐसे घर हैं जिनको ये जोड़ता है। हल्की सी बारिश आज हुई है, क्योंकि सबको पता है कि आज बारिश कितनी हुई, लेकिन अगर सावन के महीने में बारिश इसी तरीके से चलती रही तो जाहिर सी बात है कि पूरा का पूरे जो परिवार हैं, पूरे के पूरे घर हैं, वो कहीं ना कहीं डूबने की कगार पर आ जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ गाँव के भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे भाई कब से ये पानी इस तरीके से जमा हो रहा है, और आप लोगों ने कंप्लेंट किस किस को दी है, कितने लोगों से आप लोगों ने बात करने की कोशिश की है, और इस पानी के जमा होने से क्या वो वास्तव में खुश हैं, क्या वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर इसी तरीके से पानी जमा रहे, या फिर उनका इरादा इसी पानी से बिजनेस या फिर कारोबार करने का है। कारोबार की बात हम ये कह रहे हैं कि पानी है तो मछली पाल सकते हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम जुनैद खान है। हाँ जी जुनैद जी, जी ये पानी इतना सारा जमा हो गया, ये आप लोगों ने जमा करवाया या फिर इस तरीके जमा रहता है? नहीं, ये ऐसा है कि पूरा गांव में 200 घरों का मोहल्ला है ये पूरा, इसमें पूरा जो गांव का जो पानी का रास्ता है वो जोड़ की तरफ इधर से था, लेकिन कुछ दबंगों लोगों ने विपक्ष के चलते हुए पानी को जबरदस्ती रुकवा दिया गया है और बोला गया है कि भाई पानी यहीं खड़ा रहेगा, जमा रहेगा, चाहे आप जो मर्जी वो कर लो। हम इसके लिए कई बार सरपंच से, BDPO से, SDM से और जिला उपायुक्त से भी मिल चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब हम आपको पानी की उस स्थिति के बारे में बताएंगे, क्योंकि जब ये पानी यहाँ पर जमा होता है तो किस तरीके से घरों के अंदर प्रवेश करता है और उसके बाद में किस तरीके की तबाही और किस तरीके की स्थिति बस से बदतर हो जाती है। क्योंकि आप कहेंगे कि शायद इस घर में पानी नहीं घुसेगा, और इस बात की हम अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो घर है ये पूरी तरीके से अभी भी भीगा हुआ है। जी मेरा नाम अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक, ये बताइए कि जब पानी का जो बारिश का पानी है जब ये जमा होता है तो वो पानी कब तक यहाँ किस तरीके से पहुँचता है? जी जी, मतलब है कि अभी इसमें मतलब घुसने वाला था, ये मकान में हमारे बच्चे भी रहते हैं और ये बच्चे मतलब इन बच्चों को खतरा है, हम कहाँ ले जाए बच्चों को। अभी इसका रोक लगाया, मतलब ये तो अल्लाह की कुदरत है कि बारिश नहीं हुई, पहली बारिश हुई है, और नहीं तो इसमें सारे बच्चे दब जाते रात में। और अब हमारा जो नुकसान हुआ है, और अभी क्या पता है मतलब आगे कितना नुकसान हो सकता है, तो हम तो मतलब ये कहना चाहते हैं प्रशासन से जल्दी से जल्दी हमारा मतलब एक जो है एक तरफ है सम्मान करे और मतलब एक जो है हमारा मतलब एक जो है रास्ता निकाले। मेरा नाम वकार है। वकार जी, क्या दिक्कत है और मतलब पानी जमा होने से क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? दिक्कतें ये आती है कि इस मकान में पानी भर जाता है, 2 साल से कम ऐसा हो रहा है, और यहाँ पे गोड़ा गोड़ा पानी इस बाखण में हो जाता है। अगर इसमें निकालने का कोई सिस्टम नहीं है, अगर निकाला भी जाता है तो बाहर रास्ते में वहाँ भी ऐसे गोड़ा गोड़ा पानी रहता है, 2 साल से ऐसा ही चल रहा है, और यहाँ अनाज वगैरह सब सामान वगैरह घर भर जाता है, ये पूरा बाल्टियों से और तसलों से पानी को बाहर निकालते हैं और इसमें ऐसा ही वो हो जाता है, और ये पूरे दगड़ा में भी निकलने का कोई रास्ता नहीं है, रास्ता बंद है, उसकी वजह से वो शिकायत दी है, CM विंडो में भी दी है। और Thank you.
बाद जब हम लोगों ने इस रास्ते से पार करने की कोशिश की तो उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि पानी को घर में जाने से रोकने के लिए यहाँ बांध लगाया हुआ है। वहीं मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दूसरा बांध भी दिखाए। इसके अलावा मेरे पीछे मैं कहूंगा कैमरामैन से कि यहां दिखाए कि यहां पर पूरी तरीके से बांध लगाया हुआ है जिससे ये पानी सीधा उन जो मेरे पीछे घर बने हुए हैं उनमें ना जाए। तो पूरी तरीके से बांध लगाकर कब तक ये लोग इस पानी के सहारे और इस पानी की गंदगी दुर्गंध से कब तक इसी तरीके से सहते रहेंगे ये वक्त बताएगा। और वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। कितना पानी भर गया था इसमें? खूब पानी भरो पड़ो, खूब देख ले। अरे अच्छा, जब बारिश होती है तो उसके बाद पानी भर जाता है? सारा भरता है तो हारो लगा दो अब। अच्छा, आप लोग अब लगाया? अभी लगा दो। अभी हमें पानी तू देख ले, मैं खड़ी हूँ अभी तो नहाई बिना निकाले बिना लगता। अब गर्मी इतनी हो रही है, पानी आ गया तो अच्छी बात है ना? पानी को सही बात है, नहीं हमें नमूनिया हो जाएगा। नमूनिया हो जाता है? हाँ। अच्छा, तो आप लोगों ने किसी को शिकायत विकायत नहीं दी इसमें? अभी कुछ भी ना है, काटना फेंका कुछ भी ना है हमें। अच्छा, तो सरपंच से भी नहीं बोलते हैं आप? ना बोला हम, किन बोला हमारे कौन सी लड़ाई का ऐसा सुबह ना। अच्छा, तो सरपंच बताया नहीं पानी घुस जाता है हमारे? सरपंच आयो ना, घर में जाऊँ मन है ना। अभी तो हमने खूब देखा कि नूल ढाल कर रखो, सारी मुसीबत हम पारी। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम यहाँ चाहे हमारा बन जाए, नूल निकल जाए, पानी पानी निकल जाए। मेरा नाम शौकत है जी। सरपंच बंधवावे ना, हमने पार्टी के खिलाफ बात है, हमारे घर में पानी भर जावे जी। हम हार गया जी, हमारे बच्चे बीमार हैं, हमारे बच्चे को बाद हम रोज ले जावे जी, बाद दिखा कर लाते हैं, पैसा लगा कर आते हैं जी। अब बात क्या करें जी, हमारा घर भर जाता है ये पानी के, हमारे को बहुत सब दिक्कत है जी। हम क्या कर, बदबू आ रही है जी, हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं जी, घड़ी घड़ी बीमार होते हैं जी, हम क्या करते हैं? आप लोगों को डर नहीं है कोरोना की बीमारी फैल रही है? कोरोना की बीमारी जी, हमारे सब बच्चे को बीमार पड़े हैं। देखो जी, अभी घर में बात है, दो चार आदमी पड़े होंगे, हमारे बच्चों को देखो, फोटो खींच के ले जाओ, हमारे बच्चे बीमार है सटे। हम घड़ी घड़ी बीमार ले जाते हैं, बच्चों को इलाज करा कर लाते हैं जी।